हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन एग्जाम के लिए? और कैलकुलस का मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको सेलेक्ट करने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो यूनिट वाइज आप उसको प्रेफर कर सकते हो, है ना। अभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हमने स्टार्ट की है कैलकुलस की, तो वो सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। जिनकी रिपेयर है वो भी कर सकते हैं, जिनका नैप के अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस है वो भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। कोई भी यूनिवर्सिटी है, आप अगर कैलकुलस पढ़ रहे हो, चैप्टर नेम आपका वही है जैसे आपको आज मिलेगी, यानी कि हो सकता है मैं आज ही अपलोड कर दूँ, अदरवाइज कल क्लास मिलेगी इंडिटरमिनेट फॉर्म की, है ना। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म पुराने सिलेबस में नहीं है, बट न्यू स्टूडेंट्स के लिए सेकेंड चैप्टर है, तो इसको भी हम करेंगे इंक्लूड। तो सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, डोंट वरी। आज जो हम करने वाले हैं सॉलिड ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। सॉलिड ज्योमेट्री के लिए भी स्टूडेंट्स के कॉमेंट आए हुए थे कि मैम हमें इसका इंपॉर्टेंट सिलेबस चाहिए, तो कर लेते हैं डिस्कस। चलिए, पहला जो हमारे पास है यूनिट फर्स्ट, कहता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। फर्स्ट चैप्टर ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स, सिस्टम ऑफ कॉनिक्स, कॉन्फोकल कॉनिक्स, पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स। यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं कि यूनिट में आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाए तो आपको फर्स्ट थ्री चैप्टर करने चाहिए, फोर्थ और फिफ्थ स्किप कर दो। अगर इतना टाइम भी नहीं है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड कर लेना है, आप तीनों को छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर मैं तीन क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखिए फाइव चैप्टर्स हैं, हो सकता है। वैसे तो देखो अगर आपको मैं सही सही बताऊँ ना, तो 90% चांसेस होते हैं कि पहले चैप्टर से आपका क्वेश्चन कवर हो जाए। ध्यान से सुनना ये चीज, पहले चैप्टर से क्वेश्चन कवर हो जाए। बट कई बार ऐसा होता है कि भाई इतनी लेंथी यूनिट है तो सेकेंड जो पार्ट है वो डाल दिया जाता है ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स का। ओके, तो अगर आपने दो चैप्टर भी कर लिए हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अगर आपने जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इसको बहुत अच्छे से कर लिया है फर्स्ट चैप्टर को, तो भी आपका यहाँ से क्वेश्चन कवर होने के चांसेस हैं। अगर आपने लास्ट के थ्री चैप्टर्स किए हैं, लास्ट के थ्री चैप्टर सिस्टम ऑफ कॉनिक, कॉन्फोकल कॉनिक्स, पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक, आप सोचते हो कि भाई ये इजी है, छोटे हैं, हम इनको कर लेते हैं। इजी का तो मुझे खैर आइडिया नहीं है, मुझे तो सारे एक जैसे लगते हैं, ये ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है, मतलब इजी या टफ वो हर एक के अकॉर्डिंग लगते रहते हैं। भाई किसी को कौन सा चैप्टर अच्छा लगता है, किसी को कोई अदर चैप्टर अच्छा लगता है ना। तो मुझे अगर पर्सनली अगर पूछो तो करना चाहिए फर्स्ट, जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री फर्स्ट चैप्टर, समझ गए। फर्स्ट चैप्टर में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखो एक तो यहाँ से एक ही चैप्टर से क्वेश्चन कंप्लीट होने के चांसेस हैं। सेकंड थिंग यहाँ से ये है कि इसका जो बेसिक है ना वो आगे आपका स्फीयर में भी काम आता है और कॉनिकॉइड में भी काम आता है, दोनों यूनिट्स में काम आएगा। अगर आपने जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है ना, तो इसका बेसिक आपको यूनिट सेकेंड यूनिट थर्ड दोनों में ही काम आएगा। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी 100% आता है, तो कितने सारे बेनिफिट्स है ना। तो आपको क्या करना है, आपको यहां से यूनिट फर्स्ट में करना है फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर, या फिर अगर आप ये दोनों नहीं कर रहे हैं तो आप कीजिए थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, क्लियर। चलिए यूनिट सेकंड में देखते हैं। रीअपेयर स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बताती हूं अभी, मिनिमम से मिनिमम सिलेबस जिसमें आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहां से देख लेते हैं, यूनिट सेकंड में थ्री चैप्टर्स हैं भाई, सिक्स और सेवेंथ कर लो, सिलेंडर को छोड़ दीजिए, स्फीयर और कॉन कर लीजिए। स्फीयर चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से भी फर्स्ट यूनिट की तरह पूरी एक यूनिट कवर हो सकती है, पूरा एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो स्फीयर चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कवर करना है। ओके, थर्ड यूनिट देख लेते हैं। यूनिट थर्ड क्या कहती है कि एक ही चैप्टर है भाई मेरे पास, द कॉनिकॉइड, है ना। तो कॉनिकॉइड के लिए अगर आपने हाफ इसको कर लिया, चैप्टर को कर लिया, हाफ चैप्टर भी कर लिया, तो भी आपका काम चल जाएगा। इसमें आई थिंक फाइव एक्सरसाइजेस हैं, फाइव एक्सरसाइजेस या फिर 66 पेजेस हैं, है ना। आप इसके 45 पेजेस कर लो, 45 पेजेस या फाइव एक्सरसाइजेस, मेरे हिसाब से ये फाइव एक्सरसाइजेस हैं। हमने कंप्लीट वैसे करवा रखा है ये चैप्टर, एप्लीकेशन पर भी कंप्लीट है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको थ्री एक्सरसाइजेस कर लेनी चाहिए। ओके, हाँ, एप्लीकेशन पर आप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हो, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले गए हैं, वहां से आप चैप्टर वाइज कलेक्ट कर सकते हो।
ठीक है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको करना है सॉलिड ज्योमेट्री का कोर्स ओपन, या फिर आप कंबाइंड कोर्स ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर जो हमारा पुराना सिलेबस था जिसमें तीन बुक्स होती थी, एलजेब्रा, कैलकुलस एंड सॉलिड ज्योमेट्री, आप उसको ओपन करके भी देख सकते हो सॉलिड ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर ओनली सिंगल कोर्स ओपन कर लीजिए सॉलिड ज्योमेट्री का, वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, या तो 45 पेजेस करो, 45 पेजेस, या फिर 3 एक्सरसाइजेस करो 5 में से, समझ गए। यानी मुझे अगर मैं मोटा मोटी कहूँ तो 60-65% सिलेबस हमारा होना चाहिए, अंडरस्टैंड। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं हमारा, हमने तो पूरा ही कर लिया, तो फिर तो मजे ही मजे है, फिर तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। यूनिट फोर्थ की अगर हम बात करते हैं, यूनिट फोर्थ में आपके पास क्या रहने वाला है, प्लेन सेक्शंस ऑफ कॉनिकॉइड्स, जनरेटिंग लाइंस, कॉन्फोकल कॉनिकॉइड्स, रिडक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन। यहाँ से आप 10th और 11th कर लो, इन दोनों को छोड़ दो, या फिर इन दोनों को स्किप कर दीजिए, 11th और 12th कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। ऐसा नहीं करना है कि 11th और 12th कर लिया और 10th और 13th स्किप कर दिया, ऐसा नहीं करोगे। ये हर बुक के लिए ये चीज़ गांठ बांध लो कि जब भी हमें यूनिट वाइज सिलेक्शन करना होता है, या तो ऊपर के चैप्टर कंटिन्यूशन में, या नीचे के चैप्टर कंटिन्यूशन में। अगर 3 चैप्टर्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पे यूनिट नंबर 2nd में है, तो यहाँ पे या तो स्फीयर और कॉन लेकर चलो, या कॉन और सिलेंडर लेकर चलोगे। आई बात समझ में? स्फीयर और सिलेंडर ऐसे चूज नहीं करना है किसी भी बुक में, किसी भी यूनिट में। ओके, तो ये है भाई आपका सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन सॉलिड ज्योमेट्री का। और यहाँ से आप देख सकते हो इस टाइप से हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है चैप्टर्स को यूनिट वाइज। अब चलिए बात करते हैं, 3 चैप्टर ऐसे बता रही हूँ जिनको करने से आपका रीअपियर क्रैक हो जाएगा 100%। ओके, बट आपको करना पड़ेगा उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से। ऑलराइट, अब आप समझ ही गए होंगे कौन कौन से मैं बताने वाली हूँ। फर्स्ट चैप्टर जनरल डिग्री ऑफ सेकेंड, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, एक स्फीयर हो गया और एक हमारा हो गया कॉनिकॉइड। कॉनिकॉइड भी पूरा मत करो, कॉनिकॉइड भी मैं नहीं कहूंगी आप कंप्लीट करो यहाँ से। वही मैंने आपको बताया, 70% सिलेबस कर लो आप इसका, 70% सिलेबस कर लेते हो तो सफिशिएंट। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएगा। ये तीनों चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड कैसे? फर्स्ट चैप्टर का जो बेसिक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पोलर, इक्वेशन ऑफ पोल, मतलब बहुत सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बट ऐसा नहीं है कि केवल ये, देखने में चैप्टर 3 है बट इनका कॉन्टेंट अच्छा खासा है। इतना भी कम मत समझ के चलना कि भाई 3 ही चैप्टर हैं, कर लेंगे, कुछ नहीं होता, अभी तो टाइम पड़ा है। टाइम नहीं रहता है आपका, आपको जल्दी से इसको कर लेना चाहिए। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट, 6th और 9th, 9th का भी 70% सिलेबस। सिर्फ ये चैप्टर कर लो, यहाँ से आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अभी भी किसी स्टूडेंट्स को अगर कोई क्यूरी है सिलेबस के रिगार्डिंग, किसी चैप्टर के रिगार्डिंग, या पीडीएफ में आपको बता दूँ भाई, पीडीएफ आप टेलीग्राम पर न्यू एरा मैथ्स नेम से ही अगर आप ग्रुप देखेंगे, न्यू एरा मैथ्स, तो पूरी की पूरी बीएससी की जो हमारा कंप्लीट सिलेबस है, बीए बीएससी का कंप्लीट सिलेबस है, सब सारे एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, किस पर? न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन का नेम भी हमारा यही है, न्यू एरा मैथ्स से ही अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं वहाँ पे मिल जाएगा आपको न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन। और वहाँ पर इसके पूरे जो यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, उनको जरूर ट्राई कर लेना। आपको केवल चैप्टर वाइज सेलेक्ट करने हैं, ऐसा नहीं है कि रीअपियर के लिए मैंने तीनों चैप्टर बताए हैं और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो पूरे के पूरे सिलेबस के, 13 के 13 चैप्टर के, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेने हैं, फर्स्ट चैप्टर के, 6th चैप्टर के और 9th चैप्टर के। आप ये तीनों ही चैप्टर कवर करो अगर ओनली रीअपियर आपको क्रैक करना है अच्छे मार्क्स की, मतलब नहीं चाहते हो कि 60-70% या 80% मार्क्स आए, इसलिए मैंने आपको ये चैप्टर बताए हैं। लेकिन आपको जो स्टूडेंट कर सकता है उनको मैं यही कहूँगी कि सिलेबस को कंप्लीट किया करो, आगे जाकर के अगर आपको मैथ्स में ही करियर बनाना है, आगे जाकर के मैथ्स एमएससी करनी है, तो बहुत प्रॉब्लम आती है भाई आपको, है ना। तो सिलेबस हमेशा कंप्लीट करना चाहिए। फिर भी अगर किसी का डाउट रह जाता है तो आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो 8053633433। अगर एक दिन में व्हाट्सएप रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ रिकॉल किया कीजिए, दोबारा नेक्स्ट डे भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या कॉल कर सकते हो, रिमाइंड करवा सकते हो कि भाई हमने व्हाट्सएप पर मैसेज किया था और हमारा रिप्लाई किया जाए, तो 100% आपका रिप्लाई होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।